एमन बेटी, वो तुम्हारा अंकल आया है, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है, आ जाओ तुम भी। कौन खाला भी? ए, तुम्हारे अब्बा का वकील, क्या भला सा नाम है उसका, मेरे तो दिमाग से फिसल ही जाता है। शमशाद अंकल। हाँ हाँ वही वही, कह रहा है कि मुझे बहुत जल्दी है, बड़ी जरूरी बात करनी है मैंने एमन बीबी से, बुला दीजिए जरा उसे। इतनी जल्दी है, कमबख्त, ऐसे लग रहा जैसे अभी जहाज पकड़ेगा। आप बिना खाला भी हद करती हैं। अच्छा आप उनके लिए चाय भिजवाएं, मैं आती हूँ। अच्छा बेटी, ये फाइल्स आप खुद ही पढ़ लो और अच्छी तरह सब चीजों को समझ लो, फिर भी अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लो। क्या मुश्किल है बेटा? शमशाद अंकल, इन कागजात में जो भी कुछ लिखा है, अगर आप मुझे आसान अल्फाज में समझा देंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। आसान अल्फाज मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए, ये घर भी नहीं। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन ये सच है। क्या सच है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन एमन बेटी, ये हकीकत है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती। मैं ताहिर हफीज की इकलौती बेटी, उनकी डेथ के बाद हर चीज से महरूम रह गई। आई कांट बिलीव दिस, हाउ कुड इट पॉसिबल? तुम्हारा हक है बेटी। हक? कैसा हक? हर चीज तो ले ली गई है मुझसे, आप हक की बात करते हैं? मैं हूं ताहिर हफीज की इकलौती बेटी, जब मेरे नाम कुछ भी नहीं है तो किसके नाम है ये घर, प्रॉपर्टी, बैलेंस, सब कुछ? एमन बेटा, ये तो क्या कह रही है, किसके नाम कर गया है ताहिर सब कुछ? क्यों आई आप यहां, कोई तमाशा चल रहा है? चली जाए यहां से, निकल जाए मेरे घर से, अकेली रह जाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी, आप सब चली जाए।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि एमन इतनी आसानी से मान गई और उसने कोई जिद भी नहीं की। हालांकि मैं जब मैं उससे बात करने गया हूं वो इस बारे में बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी। हैरत है, फिर इतनी जल्दी मान लेने की क्या वजह हो सकती। अच्छा अब इस बहस को सिमट जाना चाहिए। असल बात यह है कि हमारे पास शादी के लिए सिर्फ 10 दिन है। आसिफ, ऐसे बहुत कम वक्त नहीं है हमारे पास। ये बात भी हो चुकी है, इमन चाहती है कि शादी सादगी से हो। मगर ये तो मुमकिन नहीं है ना आसिफ, हमारा एक ही तो बेटा है। हाँ मगर तुम भी ये मत भूलो कि हमारा बिजनेस क्राइसिस में है। प्लीज आसिफ, आपका बिजनेस तो उम्र भर चलता रहेगा, उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते रहेंगे, लेकिन हमारे हमाद की शादी तो एक ही बार होनी है ना। ऑफ कोर्स मॉम। मगर ये भी तो सोचो बेटा कि एमन का जख्म अभी हरा है, उसकी पेरेंट्स की डेथ को दिन ही कितने हो गए हैं, फिर अगर हम इतनी धूमधाम से शादी करेंगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा। देखो हमाद, तुम मेरी बात गौर से सुनो। जी पापा। सबीन, कॉफी मिल सकती है? आसिफ, इतनी रात को? फिर आपको एसिडिटी हो जाती है। कॉफी मिल सकती है? जी मिल सकती है, अभी भिजवाती हूँ। आपने मेरी गैर मौजूदगी में जो हमाद से बात करनी है ना, वो कर ले। तो अब लगता है मामा नाराज हो गई आपसे। छोड़ो उसे। देखो तुम मेरी बात और से सुनो, ये बताओ तुमने एमन से बात की या नहीं? किस बारे में बाबा? बेटा उसके बिजनेस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तुम उसके फादर के लीगल एडवाइजर से कब मिल रहे हो? देखो मेरा बात करना को मुनासिब नहीं है, तुम बात करो तो ठीक है, बस बेटा इस बात का ख्याल रखना, ये बात जहन में रखना कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। एमन, तुम ठीक हो ना? तुम तो चली गई थी, वापस आ गए हो क्या? क्यों आई हो वापस? बस यूं ही, मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए, मेरी दोस्त को मेरी जरूरत होगी। मैंने ठीक कहा ना एमन? की आज फ्लाइट थी ना, तुम बहुत लेट हो गई हो, चली जाओ वापस। तुम्हें याद है एमन, जब बचपन में तुम सोते हुए डर जाया करती थी तो तुम्हारी मामा क्या किया करती थी? वो तुम्हारे साइज की इतनी ज्यादा डॉल्स लाकर सोफे पर रख दिया करती थी। ताकि तुम्हें लगे कि ये सब तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, और मुझे लग रहा है कि आज भी ऐसी ही कोई रात है जब तुम सोते हुए डर जाओगी।
मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम्हें रोना आ रहा है मन? तुम मेरे कंधे पे सर रख कर अपना सारा बोझ हल्का कर लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जबकि मैं जानती हूं कि तुम्हें रोना बिल्कुल पसंद नहीं। हमाद का फोन सुन लो। आज किसी से बात नहीं करना चाहती। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं? शादी को राजी होने के लिए इतने उस पर प्रेशर तो नहीं? हमाद? मामा? अच्छा तुम सोए नहीं अभी तक? सोने ही वाला था। आप जाग रही हैं अभी तक? हमाद, तुम्हारे पापा क्या कह रहे थे तुमसे? मामा एक्चुअली पापा बहुत परेशान हैं। हम लोगों पर बहुत भारी लोन चढ़ चुका है और उस पर इंटरेस्ट आ रहे थे। द फैक्ट इज अगर एक महीने के अंदर कोई बंदोबस्त ना हुआ हम लोग सड़क पर होंगे। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन और आसिफ ने मुझे बताया नहीं? ताकि आप परेशान ना हो मामा, इसलिए। तो फिर अब ये सब किस तरह होगा? जाहिर है इतनी इमरजेंसी में शादी को करने का और क्या मकसद हो सकता है? हमाद मैं तुम्हें एक बात बताऊं। जी मामा। मेरी सिक्स सेंस मुझे ऑन कर रही है। क्या मतलब मामा? कुछ ऐसी ही बातें मैंने शिमाइला भाभी से भी सरसरी तौर पे सुनी है। कैसी बात है? यही कि मेरी बीमारी पे बहुत पैसा खर्च हो गया है और ताहिर बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और हालात अब पहले जैसे नहीं रहे हैं वगैरह वगैरह। मामा जो भी है उनके हालात इतने बुरे नहीं हो सकते जितने हम लोगों के। हमें तो सिर्फ ताहिर अंकल की इतनी प्रॉपर्टीज हैं, गॉड नोज और क्या क्या कुछ होगा उनके पास। अल्लाह करे। अच्छा बेटा मैं तो सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाओ। जी मैम। गुड नाइट। गुड नाइट। दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम साबित क्या करना चाहते हो शहरयार? क्या मतलब? और मुझे साबित भी क्या करना है? मैं एक बात बताऊं, तुम्हें सुबह सुबह अपने घर में कोई काम नहीं होता जो बिस्तर से उठते ही आ जाती हो? तुम भी एक बात बताओ मुझे, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? ये कौन सा नया ड्रामा है? जिस तरह का तुम्हारा रवैया है मेरे साथ और जिस तरह तुम मंगनी की रस्म में से उठकर चले आए और जिस तरह की बिगड़ी हुई जुबान के साथ मुझसे बात करते हो, कैसे कैसे सबके बाद में मैं तुमसे पूछ नहीं सकती? पूछती रहो। क्या मतलब है? मतलब यह कि मैं तुम्हारे ऊट पटांग सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ।
शरियार, मुझसे ठीक से बात करो, जवाब दो मुझे क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ। अगर दिल से ऐसा नहीं चाहते तो खत्म कर दो इस रिश्ते को, मैं भी तुम्हारे लिए कोई मरी नहीं जा रही। ठीक है, तो ऐसा करो कि ये जो अपने ही पैसों से अंगूठी खरीद कर खुद को पहनवाई थी ना, उतार दो इसे, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रिश्ता खत्म। शहरयार, तुमने बकवास शुरू की है। रिश्ता जोड़ना है या तोड़ना है ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर रहा। मेरी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में है कि तुम्हारा भाई मेरा वीजा टिकट पासपोर्ट कब बेचता है, उसके बाद ही हम दोनों के दरमियान कोई रोमांटिक ताल्लुक कायम हो सकता है। उससे पहले सोचना भी मत। खुदा हाफिज। कमाल हो गया, ये सिला मिला है खिदमत का। वाह रुकैया बेगम वाह, ये प्यार मोहब्बत का क्या सिला मिला मुझे हैं? है लानत है रुकैया बेगम तुम पे लानत। प्लीज हटो जी। कौन सी खाला, अब खुशी से रहो इस इतने बड़े बंगले में, समझी? जा रही हूँ। भी मुझे छोड़ के चली जाएंगी मामा पापा की तरह? I'm sorry. मैं बहुत परेशान थी खाला भी, बहुत ज्यादा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। ए पगली, मैं कहाँ जा रही थी तुझे छोड़ के? मैं भला जा सकती अपनी मासूम सी बच्ची को छोड़ के? लेकिन मेरा दिल भी है, तो सबके सामने मुझे डांट देती है तो फिर मैं क्या करूं? मेरी बच्ची, जीती है मैं सबको ले आ रही। कौन है आप? मुनिया तेरी बेटी है? जी जी मेरी बेटी है। जरा बाहर निकाले उस लोफर को, दो दो हाथ करने आई हूँ। क्या, क्या 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 कह रही हैं आप? ओ आप जनाब की ऐसी की तैसी। ए मुनिया जरा बाहर तो निकल, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो। कौन है, क्या तकलीफ है, क्यों मेरा नाम ले लेकर चिल्ला रही हो कौन? अच्छा बताती हूँ, तकलीफ तो तेरी दूर करने आई हूँ। बजात बदमाश कहीं की, अगर तुझे अपना आप नहीं संभाला जाता तो मुझे बता, मैं तुझे पट्टा डाल दूंगी। तेरी माँ तो हर वक्त भांग पी के सोई रहती है। चल चल बहुत होगी तेरी बकवास, दफा हो यहाँ से। पता नहीं कौन से बाजारी मोहल्ले से उठकर आ गई है ये। बाजारे बाजारी तो तू है जो अपने बाप के उम्र के आदमी से इश्क लड़ा रही है, उसको उल्लू बनाकर उसकी दुकान का सफाया कर रही है। तू क्या समझती है कि वो तेरे साथ ब्याह करेगा? तेरी भूल है बन्नो रानी, मैं परवीन हूँ उसकी बीवी। अगर तुमने उसका पीछा ना छोड़ा तो खुदा की कसम तुम सब के जनाजा निकलवा दूंगी। जनाजा तो तेरा मैं निकालती हूँ तेरी। आज तो मैं तुझे बताने आई हूँ, जिस दिन मैंने तुझे उसके साथ रंगे हाथों देख लिया तो वही बाजार में तेरी इज्जत के साथ साथ तेरे कपड़े भी तार तार कर दूंगी। चल निकल, याद रखना। निकल यहाँ से। बढ़िया ही बातें करने वाली।